नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में मनचाहा एरिया कैसे प्रिंट करें। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू प्रिंट एरिया व्हाट यू वांट। ठीक है, जितना एरिया आप चाहते हो उतना ही अगर हमें प्रिंट करना है एक्सेल में, तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक हिंदी में बना हुआ रिकॉर्ड है और इसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, और इसको कैसे प्रिंट करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिखा है ना, अगर हम चाहें तो सिर्फ हेडर प्रिंट करें, हम चाहें तो सिर्फ इतना एरिया प्रिंट करें जितना मैंने सेलेक्ट किया है, या फिर ये वाला एरिया प्रिंट करें जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, तो जितना एरिया हमें चाहिए सिर्फ उतना ही हमें प्रिंट करना है, ये कैसे संभव होगा इसी को हम आज देखेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए अगर मैं नॉर्मल प्रिंट करता हूं, ठीक है, तो कैसे प्रिंट होगा ये देखिए। इसको मैंने प्रिंट किया तो ये इस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है, ये पूरा एरिया प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इतना ही एरिया हमें प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए पेज लेआउट मेन्यू पे चलते हैं और आ जाते हैं प्रिंट एरिया पर, और यहां पर आएंगे, क्लिक करेंगे सेट प्रिंट एरिया पर। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना एरिया आपको प्रिंट करना है उतना आप पहले से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे इतना एरिया प्रिंट करना है तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको जाना है प्रिंट एरिया पर और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देना है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू लेकर मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा कहाँ तक ये मैंने किया है, अगस्त सुयश राज तिवारी, ये इस लड़के का नाम है और इसने जो है 5000 का जो है सेल्स किया है, और यहीं तक हमारा डाटा प्रिंट होकर आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए सुयश राज तिवारी, मैंने बताया था आपको, देखिए ये यहीं तक प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। मैं आपको एक और दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ हेडर ही प्रिंट करना है, तो मैं हेडर पे जाऊंगा और सेट प्रिंट एरिया पर जा करके इसे सेट पहले क्लियर कर दूंगा, इसको क्लियर क्लियर हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दूंगा, और अब यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखिए सिर्फ हमें हेडर ही मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इतना एरिया प्रिंट करना है या हेडर छोड़ करके इतना एरिया प्रिंट करना है तो ये भी हो जाएगा। आप जाइए प्रिंट एरिया पर और जो आपने प्रिंट एरिया सेट किया है इसे क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद अब आप जाइए प्रिंट एरिया पर और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां से प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कितना एरिया प्रिंट होता है। जितना मैंने सेलेक्ट किया हेडर को छोड़ करके बाकी सारा एरिया आ रहा है जो मैंने सेट किया था। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि एक्सेल में मनचाहा एरिया हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।